Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to read a new chapter in SST and it's chapter number 15 and that's animals around us. तो हमें आज उन animals के बारे में पढ़ना है जो हमारे आस पास या हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है. So as you all know that there are different kinds of animals. जैसे कि आपको भी पता है कि animals जो है ना उनके बहुत सारे kinds है ना, मतलब अलग अलग किस्म के animals पाए जाते हैं. तो कुछ animals उनमें से क्या होते हैं, some are big and some are स्मॉल. तो सबका साइज जो है ना वो सेम नहीं होता, मतलब कुछ एनिमल्स जो है ना वो बड़े होते हैं बहुत, कुछ छोटे होते हैं, कुछ उनसे भी छोटे और कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना. तो एनिमल्स जो है ना इनके दिस काइंड्स है, एक वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स. सो व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स आपको पता है, जैसे कि आपको पता ही है दैट वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट आर फाउंड इन जंगल्स फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है. तो वाइल्ड एनिमल जो है ना उनको वो फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहते, वो मतलब हमसे मतलब दूर ही रहते हैं और हम भी उनसे दूर ही रहते हैं बिकॉज दे प्रेफर टू लिव इन द फॉरेस्ट्स और जंगल्स. और व्हाट आर वाइल्ड दीज डोमेस्टिक एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स जो है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं which are usually very close to our homes and are quite useful to us. तो जो domestic animals होते हैं ना वो हमारे पास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं. And these domestic animals are very useful for us in so many different ways, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful होती है, ठीक है. तो domestic animals और wild animals, domestic animals वो animals होते हैं जो मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वो हमारे जो घर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं या हम उनके लिए घर बनाते हैं या मतलब, ठीक है. तो जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, वाइल्ड एनिमल्स हमसे दूर ही रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज़फुल फॉर अस, दे आर वे हार्मफुल फॉर अस बिकॉज दे एंड बिकॉज दे कैन हार्म अस इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड दैट्स वाई दे आर फाउंड इन जंगल्स और फॉरेस्ट्स, ठीक है. So there is one more point here and that's these animals are found in many places. जैसे कि आपको भी पता है मतलब अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि animals जो है इनके अलग अलग types हैं, अलग अलग kinds हैं. तो क्या होता है कि ये animals जो है ना अलग अलग places पे रहते हैं. Just like you can see that birds fly in the air, हवा में पाए जाते हैं, sky में पाए जाते हैं कुछ animals है ना, and those animals that are found in air or that are found in sky are called बर्ड्स, ठीक है. कुछ एनिमल्स जो है ना वो पानी में पाए जाते हैं लाइक फिशेज, सील इज देयर, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन वाटर. कुछ एनिमल्स जो है ना जो ट्रीज पे पाए जाते हैं एंड दीज इंक्लूड मंकीज, स्क्वायरल है ना, बहुत सारे एनिमल जो है वो पेड़ों पे भी पाए जाते हैं, ठीक. तो देयर आर अनदर काइंड ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड ऑन लैंड एंड दीज आर दीज वाइल्ड एनिमल्स लाइक लाइन, टाइगर, काउ, बफेलो, लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर देयर दैट लिव ऑन लैंड और दैट आर फाउंड ऑन लैंड. सो एनिमल्स जो है ना वो अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं इन ऑन दिस एयर, वाटर, ट्रीज और लैंड. सो जस्ट लाइक वी मेक homes for ourselves to keep ourselves safe, ठीक है. तो in the same manner animals जो है ना they also make homes for themselves, okay. So वो homes क्यों बनाते हैं अपने लिए? क्योंकि वो भी खुद को protect करना चाहते हैं and they also want to be safe. तो क्या है ना कि कुछ animals जो अपने लिए these homes बनाते हैं, these include birds which make a nest, okay. तो birds जो है nest बनाते हैं. Why they make a nest? Because they lay eggs in the nests and raise their young ones there in the nest. So जैसे कि बीज होती है वो अपने लिए हाइव बनाती है ना, बी हाइव आपने देखा होगा, तो वो फिर बीज उसी में रहती है. सो दे ऑल्सो मेक अ होम फॉर देम सेल्स. या रैबिट जो है वो बुरो बनाता है, मतलब वो एक होल सा बनाता है जमीन में, तो फिर उसी में रहते हैं. इन द सेम मैनर लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड दिस मेक होम्स फॉर देम सेल्स. तो कुछ एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ना उनके लिए हम घर बनाते हैं, ठीक. जैसे कि वी कीप दिस डॉग इन अ कैनल है ना, डॉग के लिए कैनल बनाते हैं. वी कीप हॉर्स इज इन अ स्टेबल, या हॉर्स के लिए हम स्टेबल बनाते हैं. वी मेक दिस शेड फॉर काउस, ठीक है, काउस के लिए शेड बनाते हैं तो उसी में रहते हैं. या हैन के लिए कूप बनाते हैं, ठीक है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ हाउसेज और होम्स दैट that we make for these some animals and some animals this
मेक होम्स फॉर देम सेल्व ऑन देयर ओन. ठीक है, तो एनिमल्स जो है ना, देयर इज अ वन मोर पॉइंट इन दिस चैप्टर, एंड दैट्स एनिमल्स जो है दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूड इन डिफरेंट वेज. तो क्या है कि जो एनिमल्स है वो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स जो है निकालते हैं, जैसे लाइक बर्ड्स की अलग अलग, बर्ड्स की अलग अलग आवाज़ निकलती है ना, या डंकी अलग आवाज़ निकलता है, हॉर्स की अलग आवाज़ निकलती है, काउ की अलग आवाज़ निकलती है ना. मतलब सारे जो एनिमल्स है ना डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं उनकी. ठीक, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, दे मूव इन डिफरेंट वेज. तो वो मतलब जो चलते हैं ना वो अलग अलग तरीके से चलते हैं, जस्ट लाइक बर्ड्स जो है ना दे फ्लाई है ना. कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, जैसे कि स्नैक रेंगता है ना, तो कुछ सीधे क्या करते हैं, दिस फ्लाई करते हैं. ठीक, सो एनिमल्स जो है दे मूव इन डिफरेंट वेज. कुछ रेंगते हैं है ना, कुछ स्विम करते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, तो उनके जो मूवमेंट्स है ना वो भी डिफरेंट है, उनके मूवमेंट्स भी डिफरेंट है, और उनकी जो साउंड्स है ना वो भी डिफरेंट है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज दैट दिस एनिमल्स आर जस्ट लाइक वी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वी रेड अबाउट द प्लांट्स एंड प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन सो मेनी डिफरेंट वेज. इन द मे सेम मैनर एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन मनी वेज. हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस, बिकॉज दे कैरी सम एनिमल्स कैरी लोड्स फॉर अस, सम गिव अस वूल, सम गिव अस मिल्क है ना. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती है, मतलब एनिमल्स जैसे कि शीप से हमें वूल मिलता है ना, डंकीज केमल्स हॉर्सेज दे कैरी लोड्स फॉर अस, या गोट्स काउज बेफेलोज वी गेट मिल्क फ्रॉम दीज एनिमल्स, एंड जैसे कि डॉग्स है, डॉग्स हमारे हाउस को या हमारे घर को गार्ड करता है ना. तो कुछ एनिमल्स है जैसे कि हॉर्सेज दिस ब्लॉक्स एंड बेफेलोज, वो क्या करते हैं, दे पुल कार्ड. सो एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन सो मेनी डिफरेंट वेज. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज दैट वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स. ओके, वी शुड लुक आफ्टर दैम एंड वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, और वी शुड नॉट टीज दैम. तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि जिससे वो इरिटेट हो, या हमें उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, एंड उनका उनको ना मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स दे ऑल्सो हैव अ लाइफ है ना, मतलब उनकी भी जान होती है, उनको भी बुरा लगता है, उनको भी नुकसान होता है, उनको भी दर्द होता है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन सो मेनी डिफरेंट वेज. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.